हेलो फ्रेंड्स व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आलू के पराठे की रेसिपी। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर किसी ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसीडर टू सब्सक्राइब मी एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अपलोड्स। अब वन बाउल में मैश पोटैटो ऐड करें, क्यूमन सीड पाउडर, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर, रेड चिली, सॉल्ट, अनारदाना पाउडर। मिक्स कर लें सब चीज़ों को अच्छे से। फ्रेश कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज, सब कुछ मिक्स हो गया। अब एक पैन लें, बर्नर को मीडियम कर लें, ऑयल ऐड करें ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून। अब इसमें ऑनियन ऐड कर लें, इसे 2 मिनट्स तक फ्राई करेंगे। इसमें टमाटर ऐड कर लें, इसको हम 1 से 2 मिनट्स तक कुक करेंगे। कवर कर दें लिड से, चेक कर लें। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, हम मैश पोटैटो ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट्स तक कुक करेंगे इसको। चलिए हम चेक करते हैं, ये मैश पोटैटो कुक हो चुके हैं। बस हम बर्नर को बंद कर देंगे, उसको साइड पर रख देंगे और कूल डाउन होने का वेट करेंगे। उसके बाद फिर हम ब्रेड प्रिपेयर करेंगे। सरफेस पर फ्लावर स्प्रिंकल कर लें, मीडियम से साइज का हम 2 लेंगे। इसको रोल आउट कर लें, इसके मिडल में हम मैश पोटैटो रखेंगे, ऐसे इसके शेप दे लें। अब चारों तरफ से इसको फोल्ड कर लें, रोल अप कर लें, ऑयल ऐड करें। हम पराठा को करेंगे वो साइड से क्रिस्पी हो जाए, जिसे हम फ्लिप कर देंगे। राइट सा ऑयल ऐड कर लें। हमारा पराठा रेडी हो चुका है, बोथ साइड से क्रिस्पी फ्राई हो चुका है। इसको हम निकाल लेंगे। प्लीज़ आप भी ट्राई करें इस रेसिपी को और मुझे कमेंट करें आपको कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।